हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। पहले जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है तो आज मैं बताऊँगा इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में कि 11 में क्या इकोनॉमिक्स के सिलेबस है और 12 में क्या इकोनॉमिक्स के सिलेबस है 2018 में। तो इस साल थोड़ी सी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में चेंजेस आई है, पिछले साल तक कुछ और थी, इस साल कुछ चेंजेस आई। तो इस बार हमें 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, और उसके साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि पिछले साल 2017 में ये 12th में ही पढ़ना था सिर्फ हमें, लेकिन इस साल 2018 में हमें इसे 11th में भी पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें 11th में भी पढ़ना है और 12th में सिमिलर जो सिलेबस पिछले साल था वही है, और उसमें 12th में हमें इस साल भी माइक्रो और मैक्रो ही पढ़ना है। लेकिन अगले साल ये सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो 11th में इंडियन इकोनॉमी थी वो चली आएगी वापस ये 12th में चली आएगी, और ये माइक्रो जो है वो 11th के 11th में ही रह जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर चेंज होगा, इस ईयर कोई चेंजेस नहीं है 12th में। 11th में चेंजेस है कि 11th में हमें इंडियन इकोनॉमी की जगह माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ना है। तो अभी हम फिलहाल 11th और 12th दोनों पे फोकस करेंगे। तो इस साल तो ये है कि 11th वाले को भी माइक्रो पढ़ना है, 12th वाले को भी पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है पहले हमें ये जानना चाहिए। हमें पहले पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड, एंड उसके बाद पढ़ना है नेक्स्ट थर्ड पढ़ना है हमें प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उसके बाद पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। तो हमें ये पढ़ना है गाइस। तो हम इस पर फोकस करेंगे, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करेंगे 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो बेसिकली मैं ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आगे मैं और भी वीडियोस डालूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, उसके बाद मैक्रो पे चलेंगे, लेकिन पहले हमें माइक्रो पे फोकस करना है। तो अभी के जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया, तो थैंक यू और आगे भी देखते रहिएगा। थैंक यू।